तो अब देखते हैं कि HTML में वीडियो कैसे एम्बेड कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम लोगों ने ऑडियो किया था उसी तरीके से वीडियो होगा। तो इसके लिए बस टैग चेंज हो जाता है टैग का नाम। तो टैग का नाम होगा वीडियो। तो हम लोग वीडियो टैग स्टार्ट करते हैं और उसको क्लोज भी कर देते हैं। अब जब हमने ये कर दिया तो जैसा कि मैंने ऑडियो में दिखाया था आपको, तो ऑडियो में हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ पे कंट्रोल लिखना पड़ता था, कंट्रोल्स। ठीक है, मैंने इतना करते थे तो हमारे पास एक प्लेयर बन जाता था। तो चलिए देखते हैं कि क्या अब हमारे पास एक प्लेयर बना है। तो आप देखोगे कि इसमें प्लेयर हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम लोग एक वीडियो फाइल का सोर्स देंगे। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने ऑडियो रखा था तो उसी तरीके से मैंने एक वीडियो भी डाउनलोड करके रख लिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वीडियो एम्बेड करके दिखाता हूँ। तो वीडियो ऑडियो एम्बेड जैसे करते थे सेम उसी तरीके से हम लोगों को वीडियो एम्बेड करना है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सोर्स और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देंगे src और फिर उसका नाम देंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, video.mp4 जो है वो first.html के ही बराबर में है, कोई फोल्डर के अंदर नहीं है, बाहर नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट उसका बस नाम दे सकते हैं। तो मैं नाम देता हूं उसको video.mp4 दे दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या बताना होगा, मुझे बताना होगा टाइप। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप और यहाँ पे टाइप होगा ये वीडियो एंड MP4। इसको मैं कर देता हूँ सेव। उससे पहले मुझे क्लोज करना था इस टैग को, मैंने क्लोज नहीं किया था, मैंने क्लोज कर दिया। और अब हम लोग देखते हैं आउटपुट। तो जब मैं अब आउटपुट करूंगा तो आप देख सकते हो प्लेयर आ गया, उसके अंदर वीडियो आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वीडियो रन होगा। वॉल्यूम अप एंड डाउन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं यहाँ से, फुल स्क्रीन यहाँ से हटा सकते हैं। तो एक पूरा का पूरा प्लेयर हमारे पास बन के आ जाता है। अब आप देखो, अब इसमें एक और अच्छी चीज है कि आप अगर चाहते हो कि यूजर खुद से कुछ ना करे कंट्रोल, तो आप यहां से जब कंट्रोल हटाओगे तो वो हट जाएगा। अब आप देखो यहां पे सिर्फ वीडियो है बट कंट्रोल्स नहीं है। तो अब कंट्रोल नहीं है तो क्या होता है कि प्ले भी नहीं हो पा रहा, अब कंट्रोल ही नहीं है इसके पास। तो ये आपको कब यूज होता है कि आप क्या करते हो कि इसमें ऑटो प्ले लगा दो कि खुद से और जैसे ही लोड होगा वैसे ही ऑन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऑटो प्ले। ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा इस वेब पेज को, तो आप देखोगे कि ऑटो प्ले हो गया और हमारे पास कंट्रोल नहीं है। और इसमें आप कुछ और एट्रीब्यूट्स और लगा सकते हो, जैसे कि वेथ हो गया, हाइट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको। वेथ इक्वल टू कर देता हूं मैं 1000 और हाइट दे देता हूं 500। हाइट इक्वल टू 500। इसको सेव कर देता हूँ। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो अब हमारे पास प्लेयर बड़ा हो गया। ठीक है, मैं इसमें कंट्रोल लगा देता हूँ, अभी हटा दिया था हमने। तो मैं इसमें कर देता हूँ कंट्रोल्स, इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब हमारे पास कंट्रोल भी आ गया। अब इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सेम वीडियो का बहुत सारा टाइप का वीडियो है, एमपी हो सकता है, MP4 हो सकता है, OGG फॉर्मेट हो सकता है, और AVI हो, बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। तो जैसे ऑडियो में हम लोग मल्टीपल फॉर्मेट लगाते थे, उसी तरीके से आप इसमें भी क्या करोगे कि मल्टीपल फॉर्मेट लगा दोगे। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे पाथ और नाम उसका देना है। जैसे यहाँ पे मान लो मैं कर देता हूँ OGG, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वीडियो के साथ आ जाएगा OGG। आप इसको सेव कर लोगे। टाइप उसी तरीके से आप हर चीज का टाइप ब्राउजर पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जैसे वहां पे MP3 सपोर्टेड था यूनिवर्सल, यहाँ पे MP4 फॉर्मेट वीडियो में यूनिवर्सल ब्राउजर पे सपोर्टेड होता है। तो अगर आप सिर्फ MP4 भी बनाते हो तो आपका काम चल जाएगा। अब जैसे ऑडियो में करते थे हम लोग कि वहां पे एक मैसेज देते थे अगर वीडियो सपोर्ट नहीं करता है तो ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते थे, सोर्स के नीचे आपको कोई और टैग ओपन नहीं करना, सीधा मैसेज लिख देना है। मान लो यहाँ पे भी आप लिखना चाहते हो योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट वीडियो, और इसको सेव करा दो। तो क्या होगा कि जब जब ये जो कोड है वो ऐसे ब्राउजर पे खुलेगा जहां पे वीडियो सपोर्ट नहीं करता है, तो वहां पे ये मैसेज आ जाएगा वीडियो प्लेयर के जगह पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।